हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो मिरेकल। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। चार मीडियम साइज के टमाटर, एक आलू, एक गाजर, एक प्याज, इसे छील के कट कर लीजिए। टमाटर को आप ऐसे ही डाल दीजिए। अब इन सभी सब्जियों को प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के एक या दो सीटी होने तक उबाल लीजिए। उबालने के बाद ये थोड़े नरम हो जाएंगे। इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। नूडल्स या फिर मैगी, इसे भी गर्म पानी में उबाल लीजिए और फिर ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दीजिए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, नमक, काली मिर्च जीरा पाउडर और पिसी हुई चीनी स्वाद के अनुसार। उबली हुई सब्जियों को अभी ब्लेंडर में डालिए और इसे ब्लेंड कर लीजिए। और इसे सूप की छन्नी से या फिर कोई भी जो मोटी छन्नी हो आपके पास उससे छान लीजिए, जिसमें कि इसमें बीजा ना रह जाए और छिलके दोनों भी बाहर निकल जाएंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा पतला है, इसमें हम चीनी, टमाटर सॉस, नमक, काली मिर्च जीरा पाउडर मिला लेंगे। इन सभी चीजों को आपको स्वाद के अनुसार मिलाना है और कॉर्नफ्लोर को थोड़े से ठंडे पानी में घोल लेंगे और इसे हम सूप में मिलाएंगे, जिससे कि सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उसके बाद हमें टमाटर सूप को उबालना है। अच्छे से मिला लीजिए इसे, जिससे कि ये पाउडर नीचे ना बैठ जाए। कॉर्नफ्लोर पाउडर नीचे बैठ जाता है। और अभी एक बर्तन में इसे उबालने के लिए रख दीजिए। 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर पकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। बाकी सभी चीजें पकी हुई हैं, सिर्फ हमें कॉर्नफ्लोर को ही कुक करना है यहाँ पे। लीजिए तैयार है टमाटर सूप मिरेकल। चाहे तो इसमें आप बटर डाल सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शन है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो ना डाल। काली मिर्च जीरा है, उसे थोड़ा सा डाल लीजिए टेस्ट के अनुसार। और जो हमने नूडल्स उबाल के रखे हैं या फिर मैगी, जो भी आपको पसंद करते हो, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। फिर इसका स्वाद लीजिए, देखिए कितना टेस्टी लगता है। लीजिए तैयार है टोमेटो सूप मिरेकल। रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मेरी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।